जटाशंकर चौराहे पर आज सिख समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 47वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर सिख समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर लड्डू, बिस्कुट और शरबत बांटकर उत्साहपूर्वक जन्मदिन मनाया। पंजाबी एकेडमी के सदस्य जगन सिंह नीटू ने बताया कि आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के साथ ही आज हम लोगों ने बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि ममता दीदी प्रणाम, जय श्री राम, और लोगों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पंजाबी एकेडमी के सदस्य जगमोहन सिंह नीटू ने कहा, जगनैन सिंह नीटू सदस्य पंजाबी एकेडमी उत्तर प्रदेश शासन। जैसा कि आपको पता है कि आज महाराज जी का जन्मदिवस है, तो पूज्य महाराज जी जिसने अपना पूरा जीवन हम सब के लिए समर्पित किया हुआ, राष्ट्र और समाज के लिए उनका 24 घंटे का क्षण क्षण पल पल समर्पित है, तो हम लोग के मन में विचार आया था क्यों ना ऐसे महापुरुष का जो हम लोग के लिए जीता है, हम लोग की सुख सुविधा देखता है, हम लोग को अधिकार दिलाने के लिए अपने आप को एक तपस्या की तरह साधनारत है, तो ऐसे पूज्य महाराज जी की के आज जन्मदिवस हम लोग क्यों ना मनाएं। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मदिवस हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। जहां एक तरफ 21 किलो लड्डू का भोग चढ़ाया गया, वहीं दिन भर मीठा शरबत, बिस्कुट प्रसाद और कुछ सब कुछ यहाँ बटता रहेगा राहगीरों में एकता भारत की पहचान है। तो किसी की एक की आस्था पे आप कैसे ममता दीदी रोक लगा सकते हो? तो आज गुरु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिवस के बहाने ये यहाँ पे हर्षोल्लास को मनाते हुए साथ में हम लोगों ने एक पोस्टर इधर बनाया है, जो भी आ रहा है वहाँ ममता दीदी प्रणाम और जय श्री राम लिख रहा है। हम लोग वहाँ 1,00,000 हस्ताक्षर कराकर इसको बाई डाक हम ममता दीदी को भेजेंगे यहाँ से, ताकि उनको पता लगे ममता दीदी अगर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक शेर हिंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा शेर भी है, जिसके शहर से ये मैसेज वहाँ तक पहुँचेगा कि गोरखपुर का हर शख्स शेर हिंदुस्तान की तरह गरजेगा। और ममता दीदी आप कभी भी किसी की आस्था को रोक नहीं पाओगे, प्रतिबंधित नहीं कर पाओगे। आपके घर जय श्री राम के हस्ताक्षर के हुए इतने सारे मैसेज चले जाएंगे कि सपने में भी आपको राम राम ही नजर आएंगे। एक बार फिर मैं सारे समाज को, सारे देशवासियों को, सारे नगरवासियों को अपने पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जन्मदिवस की शुभकामना देते हुए सभी शहरवासियों को, देशवासियों की बधाई देता हूँ, सबके सुख की कामना करता हूँ।